तो अभी रात के 12 बजे है और फ्रेंच फ्राइज बना रहे हैं ये सब लोग। और तो हम एक ही लैब में आ गए हैं वाइवा, और फर्स्ट डे को सभी को चाय फ्री में दे रहे हैं। तो हम सब हेलो दोस्तों, तो आज 12 दिसंबर है और सुबह के अभी 10 बजे है। तो मैं हॉस्टल आ गया हूँ और बहुत दिनों से व्लॉग भी नहीं शूट किया है। और हम सब दोस्त शादी में गए थे, उदय की सिस्टर की शादी थी तो वहाँ पर गए थे, और फिर बाद में मैं घर पे चला गया था। तो अभी 12 दिसंबर को यहाँ पर आ रहा हूँ हॉस्टल में। तो फिर 10:30 बजे सबमिशन के लिए भी जाना है, कॉलेज में एक सब्जेक्ट का सबमिशन बाकी है अभी, तो वहाँ पर जाना है। और फिर बाद में 13 तारीख को हमारी जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होती है एक्सटर्नल वाइवा, वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो वो भी देखना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, तो ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है। तो कल जो सब्जेक्ट है उसके वो सब आज ही पढ़ना पड़ेगा। अभी रात के 12 बजे है और फ्रेंच फ्राइज बना रहे हैं ये सब लोग। और फ्रेंच फ्राइज बनाने का तो ये देखिए, फ्रेंच फ्राइज बनाने की तैयारी चल रही है। तो आलू को अच्छी तरह से अब छीन रहे हैं, फिर बाद में काट रहे हैं 3-4 लोग। तो 1-2 घंटे तो लगेंगे मेरे ख्याल से, तो 1-2 बज जाएंगे। फिर 3 बजे खाएंगे सभी लोग, एग्जाम है और ये सभी कल एग्जाम देने के लिए भी जाने वाले हैं। और मेरी भी प्रैक्टिकल एग्जाम कल है, तो 10:30 बजे वहाँ पर भी जाना है। देखता हूँ कि पढ़ने के लिए बैठता हूँ या फिर इसमें काम करने के लिए बैठता हूँ। तो अभी ऑयल रख दिया है गर्म करने के लिए, और ये जो आलू थे वो भी अच्छी तरह से पक गए हैं। तो अभी इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर पाउडर डाल रहे हैं, फिर बाद में इसको ऑयल के साथ फ्राई कर देंगे। इसके ऊपर अच्छी तरह से कॉर्नफ्लोर डाल दिया है और पूरी वाइट वाइट हो गई है, जो चिप्स थी वो गोल की टाइप हो गया है। गोल की टाइप गुण खाने के लिए आता है ना। The next morning. हेलो दोस्तों, तो आज 13 दिसंबर है और सुबह के अभी 11 बजे है। तो हम सब आ गए हैं कॉलेज में, क्योंकि आज से वाइवा स्टार्ट हो गए हैं, प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम होती है वो, तो उसके लिए सब लोग तैयारी भी कर रहे हैं। और मैंने भी अब सुबह सुबह थोड़ी तैयारी कर दी। तो वैसे कुछ हार्ड तो नहीं होता है, बाहर से फैकल्टी आती है और वो सब क्वेश्चन पूछती है, तो फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि माहौल किस तरीके से है बाहर का और अंदर का। तो ये देखिए, सब लोग बाहर, कुछ लोग पढ़ रहे हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, जो घर से पढ़ के आए हैं वो सब तो बैठे हुए हैं। हम सब यहाँ पर आके पढ़ रहे हैं, या रूम में देखिए यहाँ पर भी कुछ लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए रूम का माहौल ऐसा है कुछ। तो हम एक ही लैब में आ गए हैं वाइवा देने के लिए, और 3 लोग चले गए, फर्स्ट 3 नंबर जो थे वो सब, और दूसरे लोग बैठे हुए हैं। तो अभी 2 बजे है और हॉस्टल आ गया हूँ, और वाइवा भी ख़त्म हो गए। तो सर अच्छे थे, तो अच्छे अच्छे सवाल पूछ रहे थे, और सभी को कॉमन ही पूछ रहे थे, जो 15-20 सवाल थे वो कॉमन ही पूछ रहे थे। तो यहाँ पर पत्थरपुरी चाय करके एक फ्रेंचाइजी है महाराष्ट्र की है, तो फर्स्ट डे अहमदाबाद में खुली है हमारे एलडी के सामने, और फर्स्ट डे को सभी को चाय फ्री में दे रहे हैं। तो हम सब आ गए थे, तो 2 ग्लास तो हो गए हैं इसके, और अभी चालू है थोड़े ग्लास। देखिए एलडी वाला इंजीनियर्स, पत्थरपुरी चाय देसी। तो आज फर्स्ट डे इसीलिए फ्री है, तो आज तो अभी 2-3 बार आएंगे और बैटिंग करेंगे। तो रात के 9 बजे थे और खाना खा के यहाँ पर फिर से चाय पीने के लिए आ गए थे, फ्री में मिल रही है वहाँ पर बंद हो गई थी और चले गए क्योंकि ख़त्म हो गई थी उनके पास। तो फिर बाद में एलडी में आ गए और एलडी के कैंटीन में बैठे हुए थे, और फिर अब बाद में हॉस्टल जा रहे हैं।